सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। गाइस, हमारे पास कुवैत के लिए पहले काम था बाइक राइडर का, ठीक है। और उसमें हो गया थोड़ा लेट, थोड़ा टाइम लगा था उस बाइक राइडर के काम में, बट अभी जो है कि हमारे वीजे जो है कि आना चालू हो गए और उसी कंपनी को 100 बाइक राइडर और चाहिए कुवैत के अंदर, ठीक है। तो बाइक राइडर में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो फटाफट जो है कि इस वीडियो को देखिए और पूरा देखिएगा, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अपने पेपर्स को भेजिए और जो है कि इसमें वीजा फटाफट आपको अभी मिल जाएगा। तो चलिए, वीडियो की सारी डिटेल आपको वीडियो के एंड तक मिलेगी, तो वीडियो को स्किप मत करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके, सो गाइस, आप लोगों को याद होगा कि मैंने पहले भी बहुत सारे डिप्लॉयमेंट्स किए हैं, फ्लाइट कराई है बाइक राइडर के अंदर। उसके बाद मैंने एक और कंपनी की रिक्वायरमेंट डाली थी, जिसमें जो है कि आज से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले जो है कि बाइक राइडर का मैंने काम डाला था, उसका जो है कि वीजा बहुत डिले हो गया। अब जाकर के उसका वीजा आज ही बात हुई है और वीजा जो है कि अगले हफ्ते से आना चालू हो जाएगा, ठीक है गाइस। इसीलिए मैं वीडियो की जो है कि वीडियो नहीं बना रहा था बाइक राइडर के ऊपर, लेकिन वापस से भी जो है कि बहुत श्योर शॉट बात हुई है क्लाइंट के साथ में कि हमें जो है कि अभी कम से कम 100 बाइक राइडर्स और चाहिए, ठीक है। वो चाहे एक दिन में फुलफिल हो जाए, 2 दिन में या 3 दिन में, ठीक है। तो वो आप हमें फटाफट दे दीजिए, ओके। इसमें जो प्रोसेस है, किस तरीके से आपका काम होगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, तो ध्यान से जो है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल पे आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे भी हम लोग जो है कि अपने जॉब्स की अपडेट जो है कि देते रहते हैं। तो गाइस, मामला कुछ ऐसा है कि 100 बाइक राइडर एक कंपनी को चाहिए जो कि तलाबाद के अंदर काम करेगा। बंदा तलाबाद का वीजा नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्टर का वीजा होगा, ठीक है। एक कंपनी है जो कि आप कॉल करोगे तो सारी डिटेल आपको उसकी दे दी जाएगी। 100 बंदे चाहिए उसमें, जो कि 38 इयर्स तक एज लिमिट है, 38 साल तक आप जो है कि उसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ईसीआर ईसीएनआर कोई भी पासपोर्ट चलेगा। आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। बेसिक इंग्लिश आपको क्यों आनी चाहिए, क्योंकि वहां पे गूगल मैप वगैरह इस्तेमाल करना है, ठीक है। ऑर्डर वगैरह एक्सेप्ट करने हैं, किस तरीके से ऑर्डर जो है कि लिया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, ठीक है। तो जो है कि अप्लाई करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपको कल, अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो अभी या फिर कल सुबह में आप जो है कि पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन डालिए तुरंत, और उसका जो अपॉइंटमेंट की जो स्लिप है वो स्लिप, आपका आधार कार्ड क्लियर स्कैन, आपका वैक्सीन फाइनल डोज का क्लियर स्कैन, एक व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो, पासपोर्ट डबल पेज आगे डबल पेज पीछे, ठीक है। इसको आप जो है कि स्कैन करिए, ठीक है। एक सिंगल पीडीएफ में बनाइए, सिंगल पीडीएफ बना करके आप जो है कि वीडियो के एंड में नंबर दिया गया है, किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, बोलिए मुझे जो है कि कुवैत बाइक राइडर में अप्लाई करना है। उसके सर्विस चार्जेस आप पूछ लीजिए, अगर आप एग्री करते हैं तो आप उसमें जो है कि अप्लाई कर दीजिए। 10 to 15 वर्किंग डेज जब आप हमें पेपर दोगे, 15 से 20 दिन के अंदर जो कि अभी कंपनी ने वादा किया कि मैं जो है कि वीजा दे दूंगा, और जिनके वीजे पहले पड़े हुए हैं उनका भी अगले हफ्ते तक वीजा जो है कि आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसमें हम सैलरी की बात करें तो जो बेसिक सैलरी वो 100 KD सैलरी है, बेसिक सैलरी, ठीक है। और अलाउंस जो है उसमें हाउसिंग अलाउंस 25 KD है, ठीक है। फूड अलाउंस उसमें जो है कि 20 KD है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जो है कि आपको 3 साल पे जो है कि आपको एयर टिकट मिलेगा आने जाने का। उसके बीच में अगर आप आना जाना चाहते हैं तो आपको टिकट खुद जो है कि बेयर करना पड़ेगा। ड्यूटी आवर्स की बात करें तो 10 घंटे की ड्यूटी है, 9 घंटे जो है कि आपको काम करना, 1 घंटा उसमें लंच ब्रेक है, ठीक है। हफ्ते में 4 दिन छुट्टी है, 26 डेज जो है कि वर्किंग है, ठीक है। 26 दिन वर्किंग, शिफ्ट वाइज आपको काम करना है, ठीक है। फूड डिलीवरी का काम है, बहुत ही बेहतरीन काम है, जबरदस्त काम है। ईसीआर सीएनआर कोई भी चलेगा। बेसिक इंग्लिश रिक्वायर्ड है, इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन है। जैसे मैंने आपको पेपर बताया है उस तरीके से अगर आप पेपर भेजेंगे तो, अगर आप जो है कि सिर्फ ऐसे ही फोटो खींच के भेज दिया या ऐसा कुछ कर दिया तो उससे नहीं हो पाएगा आपका काम। 1 से 2 दिन का शिफ्ट टाइम है, कल और परसों तक हम पेपर लेंगे, उसके बाद पेपर हम इसमें नहीं लेंगे, ये वीडियो एक्सपायर हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पुराने कैंडिडेट है, पहले हम उनको निकालेंगे बाद में नए कैंडिडेट को डालेंगे, ठीक है। तो कल शाम तक या परसों शाम के पहले तक आपको पेपर दे देना है। वापस से मैं रिपीट करता हूं, आधार कार्ड आपका क्लियर स्कैन, वैक्सीन फाइनल डोज क्लियर स्कैन, पासपोर्ट आगे पीछे क्लियर स्कैन, व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो, ठीक है। और पीसीसी की स्लिप, जो पीसीसी की अपॉइंटमेंट लेते हैं पासपोर्ट ऑफिस से, वो पीसीसी की जो है कि स्लिप आपको सिंगल पीडीएफ में 3 और 4 और 5 चीजें जो कि स्कैन करनी है, सिंगल पीडीएफ बनाना है और आपको हमें भेज देना है। इमीडिएट काम होगा, बहुत ही अच्छी सैलरी इसमें आप अर्न कर सकते हो, अगर सही तरीके से अगर डिलीवरी आप कर रहे हो, काम कर रहे हो,
ठीक है, अगर 500 डिलीवरी आपने महीने में कर दी तो यकीन माने आप जो है 200 केडी तक इसमें कमा सकते हो। ठीक है, कोई टारगेट वगैरह नहीं है, लेकिन ये समझ के चलिए कोई भी कंपनी आपको लेकर के जाएगी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपको जो कि काम कराएगी, लाइसेंस कंपनी बनवा के देगी, ठीक है, आईडी आपकी कंपनी बनवा करके देगी, वीजा भी कंपनी देगी, सारी चीजें करके देगी। ठीक है, विद इन 15-20 डेज आपको फ्लाइट करना पड़ेगा। आप ये हमें देंगे, ऑफर लेटर आपको जो कि प्रोवाइड किया जाएगा, ओरिजिनल पासपोर्ट सेम डे आपको कुरियर करना, ऑफर लेटर साइन करके आप दोगे जो कि आपका वीजा हम डलवा देंगे। ठीक है, और अगर आप इमीडिएट अगर जो है कि आपको सिर्फ ऑफर लेटर का सिंपल चाहिए, वो हम आपको भेज देते हैं और आपको हम डायरेक्ट वीजा अप्लाई कर देते, जाने के टाइम में आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। सैलरी वापस से सुन लीजिए, 100 KD सैलरी है, हाउसिंग अलाउंस 25 KD है, 20 KD जो है आपको फूड का है। ठीक है, हाउसिंग अलाउंस आपको कंपनी देगी, खुद आपको रूम अरेंज करना पड़ेगा, वो लोग करके देंगे पहले 1-2 महीने, उसके बाद जो है कि आप अपना खुद जो है कि मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद जो है कि इसमें जो है कमीशन वगैरह भी बहुत अच्छा है, 0.10 फील से आपको जो है कि पर डिलीवरी कमीशन मिलेगा। अराउंड अगर आप 500 डिलीवरी, 450 500 डिलीवरी तक पहुंच जाते हो तो 200 KD कहीं नहीं गया, 200 KD तक आप ऑन कर सकते हो, शायद उसके ऊपर भी आप ऑन कर पाओ। ठीक है गाइज, आई थिंक मैंने सारी चीजें इसमें जो है कि बता दी है। हाँ, आपका वीजा जो है कि आर्टिकल 18 का वीजा है, एम्प्लॉयमेंट वीजा, ठीक है, कमर्शियल वीजा जिसको कहता है, और अभी जो है कि आपको पता होगा ई वीजा आ रहा है, ठीक है, और वो भी वीजा जो है कि हमें स्टाम्प कराना है। ठीक है गाइज, तो अभी तक सारी डिटेल मैंने आपको बता दिया है, और जो है कि मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई रिक्वायरमेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।